अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटक सरकार ने सेकेंड रिजोल्यूशन कैंसिल करने का फ़ैसला किया है। अगर रिजोल्यूशन कैंसिल होता है तो ख़ासकर हमारे वास्ते बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो तालीमी मैदान हो यानी एजुकेशनल फील्ड हो या कोई जॉब के लिए हमारे बच्चों का इधर उधर घूमना। ये दो मामला में जो है बहुत सारे सीट्स जो हैं कम अलाट होंगे हम लोगों को अगर कैंसिल होता है तो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर इसका असर होगा, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। अगर ये बिल पास होता है, मतलब सेकेंड रिजोल्यूशन कैंसिल होता है, तो सबसे पहले जो है मुस्लिम बच्चों की मेडिकल्स के कम से कम 300 सीट कम होंगे। मेडिकल यानी MBBS के लिए 300 सीट जो नीट के थ्रू सिलेक्शन होते हैं वो 300 सीट का है रिजोल्यूशन में कम होंगे। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग जो CET के थ्रू होता है KEA के, उसमें कम से कम 1700 से यानी 1700 से 1800 सीट्स कम होंगे। उसके बाद डेंटिस्ट यानी BDS के लिए तो कुल 50 सीट यानी टोटल 50 सीट, उसमें 10 गवर्नमेंट के हैं और 40 गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के रहेंगे। इसमें जो है 50 डेंटल सीट हमारे कम होंगे। ये तो है हमारे एजुकेशन फील्ड के हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के बारे में। इसके साथ साथ हमारे नौजवान लड़कियों का गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कम अज़ कम हर साल जो है 600 से 2300 तक जो है हमारे बच्चों के नौकरियां गवर्नमेंट जॉब्स के वास्ते रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी 600 to 2000 तक रिजर्वेशन नहीं रहेगा। ये जॉब्स के लिए है, मतलब इसके बाद जो है गवर्नमेंट की कोई रिजर्वेशन फैसिलिटी के वास्ते यानी गवर्नमेंट की कोई रिजर्वेशन सहूलियात लेने के लिए हम लोगों को ब्राह्मण्स और जैन के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, जो मुआशी हालात में, इकनॉमिक हालात में और एजुकेशन हालात में जो है हमारे से ऊपर हैं, इनके साथ हम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की वजह से हमारे मुस्लिम को जो है कॉम्पीट करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बावजूद भी अगर हम इस गवर्नमेंट को साथ देते हैं, इस गवर्नमेंट को वोट देते हैं, तो शायद हमारे से नादान ना समझ आज कल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है इसके बावजूद भी अगर हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहमखाना काम है। जो हजरात जो हमारे भाई इस पार्टी को साथ दे रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तो संभल जाओ, अब तो जो ये बात हमारे बच्चों की तालीम पर आ गई, अब तो समझ जाओ। और जो पार्टी हमारी एंटी मुस्लिम पार्टी है, इस पार्टी को जिताकर हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म होना लाजमी है। तो ये तमाम इम्पैक्ट जो हैं दोस्तों, ये होना लाजमी है अगर सेकेंड रिजोल्यूशन कैंसिल होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।